10 से 20 तक पहले शाबाश एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन दिस स्टेटमेंट। ड्रा दिस डायग्राम। देखो बेटा, विदाउट वेटिंग फॉर द लेजी स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। शाबाश, फ्यू स्टूडेंट्स आर स्टिल रोमिंग, पर्टिकुलरली ओनली वन क्लास सेवंथ जी। सेवंथ जी हैज नॉट येट सेटल्ड। लुक बेटे, एक बच्चा है सिमरत, उसका फ्रेंड है अनमोल। तो ये सिमरत अनमोल को मिलने जाता है उसके घर संडे वाले दिन। सिमरत गोज टू मीट हिज फ्रेंड अनमोल। ये दोनों बच्चे आपस में दोस्त हैं, सेवंथ क्लास में पढ़ते हैं, एमआरसी स्कूल में पढ़ते हैं, ए सेक्शन के बच्चे। और सिमरत अनमोल के पास जाता है तो उनका एक दोस्त भी ये मोशन को नोट कर रहा होता है, उसका नाम है हरमन। हरमन ने ये ऑब्जर्व करा कि सिमरत जब अनमोल के पास पहुंचता है तो उसको 2.5 मिनट चलना पड़ता है। कितने मिनट चलना पड़ता है बेटे? 2.5 मिनट। और सिमरत को अनमोल के घर तक पहुंचने के लिए 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। 0.9, राइट? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सिमरत? सेवंथ सी सेक्शन को कैमरा ऑन करना चाहिए। सेवंथ सी को व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सिमरत? सिमरत की स्पीड क्या है? एक बार फिर से देखो, सिमरत अनमोल को मिलने गया संडे के दिन और हरमन ने नोटिस करा कि सिमरत अनमोल के घर तक जाने के लिए 2.5 मिनट का टाइम लेता है एंड उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ता है, रास्ते की लंबाई कितनी है टोटल? 0.9 किलोमीटर। आपको सिमरत की स्पीड बतानी है, वो भी मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में क्या सेवंथ ए क्लास में इन तीन बच्चों में से ये कोई क्वेश्चन बता सकता है? कौन कर पाएगा इसको? सिमरत अनमोल हरमन, सेवंथ ए के तीनों बच्चों में से क्या कोई ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है? शाबाश सेवंथ ए, प्लीज कम ऑन द माइक इफ यू आर कॉन्फिडेंट। कोई बच्चा इसका मेथड बता सकता है कैसे करेंगे? इन तीनों बच्चों में से कौन कौन से सेवंथ ए क्लास के एक्चुअल में जो आपकी क्लास में बैठे हैं बच्चे, सिमरत अनमोल और से? प्लीज कम ऑन द माइक। हाँ जी बताओ बेटे। अभी करना है, करना अभी नहीं। नहीं बेटे, मेथड पूछ रहा हूँ, कैसे करोगे? मेथड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। क्या नाम है बेटे आपका? सिमरत। सिमरत ने बहुत ही बढ़िया मेरे को आंसर दिया। सिमरत से, सर मेथड आपका जानते हो क्या होएगा? आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा और वो फार्मूला होएगा स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, इस बच्चे ने मेरे को यह बताया। शाबाश, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। क्या इसी क्लास में सेवंथ ए में अनमोल मेरे को बता सकता है कि मैं डिस्टेंस की जगह कितना पुट करूं? शाबाश, व्हाट डेटा आई शुड पुट इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस इन द नेक्स्ट स्टेप? 9 किलोमीटर, रॉन्ग, 0.9, इट इज 0.9 किलोमीटर। 9/10 किलोमीटर, तो एक बच्चा कह रहा है सर 0.9 किलोमीटर इसने रेक्टिफाई करा, बिल्कुल सही। एंड यही बच्चा मेरे को बताएगा सर बेटे टाइम कितना पुट करूं? 2.5 मिनट। कैसे पता लगा 2.5 मिनट? क्योंकि 2.5 मिनट का मतलब 2.5 होता है। तो क्या मेरे को इनको कट देना चाहिए, सॉल्व कर देना चाहिए, सिंप्लीफाई कर देना चाहिए? नो, क्योंकि मेरा आंसर मीटर पर सेकंड में पूछा हुआ है, एसआई यूनिट में। तो मेरे को इनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। क्या मेरे को हरमन बता सकता है कि किलोमीटर से मीटर और देयर हम आर लोग 200 बेटे क्या बोल रहे हो? सर, देयर आर 200 हरमंस। हाँ, तो पहले हरमन वन की बात कर रहा हूं, हरमन वन। शाबाश, आपके कोड है नाम का। आपने मेरे को ये बताना बेटे किलोमीटर से मीटर्स में कैसे आएंगे? कैन यू टेल मी ऑन द माइक? मल्टीप्लाई बाय, बेटे माइक पे बोलो, क्लियर नहीं सुन रहा। बहुत 1000 मल्टीप्लाई बाय, ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फुल मार्क्स। आप बच्चे को इसको याद है कि 1 किलोमीटर में सर 1000 मीटर होते हैं, तो आप 1 किलोमीटर को रिप्लेस करो 1000 मीटर से, और 2.5 जो मिनट है उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। बाय व्हाट फैक्टर आई शुड मल्टीप्लाई इट? मिनट से सेकंड में कन्वर्ट होने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? आई वुड लाइक टू आस्क इट फ्रॉम मानवी, सेवंथ बी। मानवी बेटे प्लीज कम ऑन द माइक। आप मेरे को बताओगे मिनट से सेकंड में आने के लिए व्हाट शुड आई डू हियर? माइक पे सर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। थोड़ी सी मिस्टेक कर गया ये बच्चा। मैं ये चाहूंगा मानवी की करेक्शन सेवंथ बी में से ही कोई बच्चा करे। मानवी कह रही है यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करो मिनट से सेकंड बनाने के लिए। कोई 2.5 मल्टीप्लाई 60। शाबाश, सेवंथ बी ने मानवी बच्चे का मिस्टेक सही करा। वो कह रहे हैं सर मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है बच्चे। ओके, तो अब आपने यहां पर पहुंच गए। अब आपने इसके साथ सेकंड यूनिट लगाया तो मीटर सेकंड पर सेकंड में आंसर आएगा। तो इसको कैलकुलेशंस करना भी आपको आना चाहिए। तो कुछ बच्चे कैलकुलेशंस में पुअर होते हैं। देखो टीचर कैसे कैलकुलेशंस करता है। देखो 0.9 को लिखा 9/10, और नीचे जो 2.5 है उसको लिखा 25 डाउन में और न्यूमरेटर में 10, और 1000 अलग से लिखे हैं और 60 अलग से लिखे हैं। अब देखो इसमें से 10 कट हुआ बेटे हैं, 0 से 0 कट हुआ, करेक्ट। तो हमारे पास क्या बचा अभी तक? 9/25 और 100/6 इतना पहुंचा। इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 100 आता बेटे हैं, तो 4 आ गया, 9 अभी भी बचा, 6 अभी भी बचा। 3 के टेबल पे कट करेंगे
तो इट बिकम्स 3/2। 3/2 को नेक्स्ट स्टेप में 4 × 1.5 लिख सकते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको कई बार आप बच्चे का फिजिक्स ठीक होता है लेकिन उसका मैथ का कैलकुलेशंस पुअर होता है, इसीलिए मैंने पूरी कैलकुलेशंस करी ताकि आपको टीचर की टेक्निक पता लग जाए टीचर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो जिन 3 बच्चों के नाम पर ये क्वेश्चन था वो तीनों ही सक्सेसफुल हुए, और उम्मीद करता हूं मेरे सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया। सेवंथ सी क्लास शुड स्विच ऑन द कैमरा, सेवंथ सी, उनका कैमरा ऑफ है। तो बेटे आपको इंडिकेशन पता है, अगर आपको समझ आ गया तो राइट हैंड खड़ा करना है, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। सो माय क्वेश्चन इज, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? प्लीज रेज योर वन हैंड, आइदर लेफ्ट और राइट। तो व्हाट आई ऑब्जर्व, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये समझ आ गया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया और आपको समझ आया। अब हम एक क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल शीट पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। सभी बच्चे लिखेंगे, राइट डाउन, शाबाश बेटे। क्वेश्चन, एवरीबॉडी, परनीत, शाबाश, सभी बच्चे लिखेंगे, परनीत गोज, या रन्स लिखो, रन्स टुवर्ड्स, परनीत रन्स टुवर्ड जसदीप एट स्पीड इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से कौन परनीत जसदीप की तरफ भागती है? ओके, उसके बाद क्या हुआ? देयर फ्रेंड, उनका एक दोस्त है, उसकी दोस्त है उनकी, राधिका नोटिसेस, राधिका नोटिसेस दैट परनीत टेक्स एटीन बाय 5 सेकेंड्स टू रीच जसदीप। जसदीप, उनकी दोस्त राधिका ने नोटिस करा कि जो परनीत है वो राधिका तक पहुंचने के लिए, परनीत जो है वो जसदीप तक पहुंचने के लिए 18/5 सेकेंड्स लेती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहां पर परनीत है और यहां पर जसदीप है तो उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करा। अब जिन 3 बच्चों के नाम पर ये क्वेश्चन है, कौन से? राधिका, परनीत और जसदीप, ये तीनों बच्चे सेवंथ सी में पढ़ते हैं आपके स्कूल में। सेवंथ सी ने माइक क्यों नहीं ऑन करा भाई, सॉरी कैमरा। बेटे समबॉडी प्लीज गो टू द सेवंथ सी एंड रिक्वेस्ट देम टू स्विच ऑन द कैमरा। कोई बच्चा सेवंथ सी में जाएगा प्लीज। सेवन सी क्लास का कैमरा पता नहीं क्यों नहीं ऑन हो रहा। तो इन 3 बच्चों से ही मेरा क्वेश्चन है, परनीत जसदीप और राधिका, बेटे हाउ विल यू सॉल्व इट, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व इट?
क्या आप बता सकोगे? हाँ सेवंथ सी का कैमरा नहीं ऑन हो रहा, पता नहीं क्या बात देयर इज सम प्रॉब्लम। है। अच्छा बेटे चलो, तो फिर मेरा ये क्वेश्चन है सेवंथ डी के बच्चे लवलीन से। सेवंथ डी का बच्चा लवलीन, प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे आप बताओगे इसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूं? सर कैमरा इज नॉट हाँ वर्किंग। कोई बात नहीं, सेवंथ सी के बच्चे, कोई बात नहीं बेटे, सेवंथ डी का बच्चा है लवलीन, उससे मेरा क्वेश्चन है। बेटे मैं एक क्वेश्चन आपको दोबारा समझाता हूँ। परनीत जो है ना अपने दोस्त जसदीप को मिलने जाता है या जाती है, और उसकी स्पीड है 5/18 मीटर पर सेकेंड। राधिका ने नोटिस करा कि परनीत को जसदीप तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लग गया, आपने बताना है ये दोनों कितनी दूरी पर खड़े हुए। बेटे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, माइक ऑन तो करो पहले। सेवंथ डी, हाँ अब बोलो। नहीं सुनता बच्चे, नहीं सुनता, कुछ प्रॉब्लम है। सेवंथ डी का माइक में मैं टीचर की हेल्प चाहूंगा कि चेक करें, बच्चे को शायद ऑन नहीं करना आ रहा। सो प्लीज टेक योर सीट। तो इसके लिए भी हमें वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। सभी बच्चे एक बात याद करें कि ये फार्मूला आपने जब लिखने के बाद एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना कि आपसे पूछा क्या हुआ है, डिस्टेंस पूछा हुआ है। जो चीज आपसे पूछी होती है उसको अकेला बनाना होता है, इक्वल साइन के एक तरफ अकेला बनाना होता है और बाकी सारे पैरामीटर दूसरी तरफ ले जाने होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इस टाइम को इधर ले जाऊं तो डिस्टेंस वाला फैक्टर रह जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम। जब ये चीज अकेली हो जाए इक्वल के, कौन सी चीज, कौन सा पैरामीटर जो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ हो, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ हो, ये देखो डिस्टेंस पूछा, उसको अकेले बनाना होता है बेटे। फिर आपको डाटा पुट करना, व्हाट इज द स्पीड 5/18, व्हाट इज द टाइम टेकन 18/5। ओके सो जब हम इनको कट करेंगे दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 1 मीटर, क्योंकि 18 से 18 कट, 5 से 5 कट, सो इट बिकम्स 1। बहुत से बच्चे यहां पर मिस्टेक कर देते हैं, 5 से 5 कट करके 18 से 18 कट करके यहां पर 0 मीटर लिख देते हैं। नो बेटे, 5 वन द 5, 18 वन द 18, सो 1 × 1 मल्टीप्लाइड आंसर कम्स आउट टू बी 1 मीटर। ओके तो ये हमने दो क्वेश्चन डिस्कस करे आउट ऑफ द असाइनमेंट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा हो जाए। नाउ लेट्स गो बैक टू द असाइनमेंट। सभी बच्चे असाइनमेंट के कौन से क्वेश्चन पे जाएंगे? सेकंड क्वेश्चन पे। ओपन द असाइनमेंट, शाबाश। और मैं चाहूंगा बेटे सेवंथ डी में एक प्यारा सा बच्चा है दीपिंदर, दीपिंदर सेवंथ डी में प्लीज कम ऑन द माइक। दीपिंदर आपने बेटे सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के दिखाना है माइक पर। सेवंथ डी में दीपिंदर प्लीज रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। माइक में प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ बैठ जाओ। सेवंथ ई में एक बच्चा है सहजपाल, सेवंथ ई में सहजपाल,
सहज प्रीत है। हाँ सहज प्रीत है बेटे, हाँ प्लीज सहज प्रीत बेटे, कम ऑन द माइक एंड रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड असाइनमेंट, प्लीज रीड इट। A car traveling at a speed of 90 km per hour takes 3 hours to reach its destination. What distance has the car travel? बेटे आप मेरे को बता सकते हो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और पूछा क्या है? क्या पूछा है इसमें, क्या इसका क्वेश्चन का मीनिंग है? सर जो कार है वो 90 किलोमीटर 3 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, 90 किलोमीटर नहीं कवर करती ये, तो किलोमीटर पर आवर उसका डिस्टेंस नहीं दे रखा बेटे, ये तो उसका स्पीड दे रखा है। आप बोलोगे कार इतनी स्पीड से चलती है, कितनी स्पीड से है, उसका स्पीड कितना है, स्पीड का सिंबल क्या होता है, वी, 90 किलोमीटर पर आवर, ऐसे बोलोगे आप। उसके बाद क्या कह रहा है, मान लो इस कार ने यहां से अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाना है, ओके, मान लो इसने फगवाड़ा से दिल्ली पहुंचना है, तो वो बोलता है इसको पहुंचने के लिए कितने टाइम लग गया, 3 आवर, टाइम 3 आवर हो गया। अब बेटे वो पूछते हैं हमसे कि ये डिस्टेंस कितना है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, जिसको उसने क्वेश्चन में डेस्टिनेशन बोला है। डेस्टिनेशन मैंने क्या होता है, टारगेट, फाइनल टीचा, जहां इंसान पहुंचना चाहता है। बेटे आपका क्वेश्चन ये है, आप कौन सा फार्मूला लगाओगे इसमें? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये बच्चा कह रहा है सर आप ये लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये बच्चा ऐसे कह रहा है। बेटे मेरी एक सजेशन है, ये ठीक है आपकी बात, लेकिन सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मूला जरूर लिखा करो। स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन टाइम टेकन। हाँ, अब इसको इधर ले जाओ, उसके बाद ये लिखना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब ये बच्चा कह रहा है आपने मेरी हेल्प करनी है बेटे, तो मैं स्पीड की जगह कितना पुट करूं? बेटे हेल्प दी टीचर, आप बच्चे से पूछते क्यों हर बार, अपने कॉन्फिडेंस से बताओ ना, व्हाई आर यू टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस बॉय एवरी टाइम, खुद से बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती हो जाएगी। बोलो क्या पुट करूं स्पीड की जगह, 90 किलोमीटर। तो पहली बार आपने वही डाटा पुट करना होता है जो दिया होता है, लेकिन साथ में यूनिट मेंशन करना है, 90 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही। टाइम कितना पुट करूं, 3 आवर। 3 आवर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटे, तो 9 3 का 270 के साथ यूनिट कौन सा लिखूं? डिस्टेंस इज इक्वल टू 270 किलोमीटर। अरे बच्चे मैं उसी बच्चे से पूछना चाहता हूं, कौन से हैं? आई वॉन्ट टू आस्क ओनली द सेम स्टूडेंट सहज प्रीत, बताओ बेटे क्या लिखो, यूनिट क्या लिखो? डिस्टेंस, हाँ, इस 270 के साथ क्या लिखूं मैं यहाँ पर, लीटर लिखूं, किलोग्राम लिखूं, आर लिखूं, क्या लिखूं? किलोमीटर। किलोमीटर लिखेंगे। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा यूनिट लिखना है, तो वो देखो आर से आर कट हो गया, तो किलोमीटर को कट करने के लिए कुछ नहीं है, तो वही यहाँ पर यूनिट के रूप में आता है। तो क्या मेरे को इसको आंसर लिख देना चाहिए या और सिंप्लीफाई करना चाहिए बेटे फुल मार्क्स लेने के लिए?
सर और सिंपलीफाई करना चाहिए। कैसे करना होगा? आपको आंसर एसआई यूनिट में पुट करना है। एसआई यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? इंटरनेशनल यूनिट मीटर। मीटर। तो किलोमीटर से मीटर में आने के लिए क्या करना होगा बच्चे? किसके मल्टीप्लिकेशन, साथ? थाउजेंड। बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली ये गुड़िया सक्सेसफुल हुई। तो 270 और ये लिख के साथ में मीटर। तो अगर ये बच्चा इस तरह से सॉल्व करेगा तो मैं इसको पेपर में इस क्वेश्चन के 100/100 मार्क्स देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे सहजप्रीत के लिए क्लैप करेंगे एक बार। ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। अब हम चलते हैं बेटे। सबसे पहले ये बताओ क्या ये आपको समझ आ गया? प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यस एंड लेफ्ट हैंड इफ नो। वेरी गुड वेरी गुड। लेट्स मूव फर्दर। हम इसको भी डिजिटल बोर्ड की मेमोरी में डाल देते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं चाहूंगा सेवंथ एफ सेक्शन में एक बच्चा है गुरशन। गुरशन है ना एक बच्चा सेवंथ एफ में है बेटे कोई? कोई नहीं आ रहा फ्रंट पे। ओके सेवंथ ई में एक बच्चा है ज्ञानशी। ज्ञानशी सेवंथ ई में ज्ञानशु ज्ञानशु है। इधर स्पेलिंग गलत कर दिया नाम के इन्होंने। ज्ञानशु प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे आपको थर्ड क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना है और टीचर को इसका मीनिंग बताना है। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन थ्री स्टेटमेंट। कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर? हाँ बेटे क्या मीनिंग है इसका क्वेश्चन का? सर एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो और कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है? 300 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी? शाबाश। तो ये बच्चे ने मेरे को क्लियर कट बता दिया सर। इसका मीनिंग ये है देखो बोर्ड पे मैंने लिखा बेटे देखो ध्यान से। ये बच्चा कह रहा है कार की स्पीड इतनी है उसका डिस्टेंस उसने इतना कवर करा। कार कितने टाइम के लिए मोशन में रहती है? अब यही बच्चा मेरी हेल्प भी करेगा कि बेटे मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। सॉल्यूशन टीचर की हेल्प कर दो प्लीज। बेटे टीचर की हेल्प कर दो मेरे को भूल गया ये कैसे करना है। 300 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उससे डिवाइड कर दो। तो ये बच्चा कह रहा नहीं आपको ना बेटे सब आपको सीक्वेंस वाइज बताना होता है। आपको पहले बोलना होता है बेटे सर सबसे पहले आप स्पीड का बेसिक फार्मूला लिखो ऐसे बताना होता है। और वो बेसिक फार्मूला है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटे ध्यान से सुनना जो ये बच्चे ने मिस्टेक करी है इसने डायरेक्ट ही मेरे को बता दिया कौन किससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे बच्चे को एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते जो बिना फार्मूले के डायरेक्ट डाटे को मल्टीप्लाई करता है। तो टाइम चाहिए। इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ। क्यों? जिस चीज को हमने निकालना होता है उसको अकेला करना पड़ता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये बच्चा मेरी हेल्प करेगा बेटे कौन सा डाटा पुट करूं डिस्टेंस के लिए बताओ ऊपर से देखकर। 300 किलोमीटर, और स्पीड कितना पुट करूं? 60 किलोमीटर पर आवर, कैन यू टेल मी द आंसर कितना आएगा? सर 3 आवर 20 मिनट्स। नहीं इसको कट करके कितना टाइम आएगा बेटे? ये देखो ना बोर्ड पे देखो मैंने क्या लिखा है। सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? हेल्प नहीं लेनी है? 5 क्या? 5 क्या है? मिनट है कि सेकंड है? क्या है?
मिनट। गलत बेटे, ये देखो आर में चल रहा है ना, तो टाइम आर में चल रहा है, हमने सेम डाटा पुट करा है, तो आंसर आएगा 5 आर। तो क्या ये फाइनल आंसर आ गया? पेपर में छोड़ देंगे इतना या आगे सिंप्लीफाई करेंगे? क्या तो सिंपलीफाई करेंगे। करेंगे सिंप्लीफाई? टाइम को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है टाइम का बेटे? है सेकेंड। सेकेंड। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि सेकेंड बन जाए? सिक्सटी। रॉन्ग। फिर से सोचो, आर से सेकेंड में जाना है। सभी बच्चे ये याद कर लें, 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, और 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हमने तो सेकेंड में जाना है क्योंकि ऐसा यूनिट सेकेंड होती है। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए बेटे? ये देखो बेटे, जिस यूनिट में जाना है और जहां से जाना है, आर से सेकंड में जाना है, तो ये वाले कन्वर्जन फैक्टर को पिकअप करो। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3600। हाँ, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा इतने सेकंड। ओके यस बैठो, शाबाश। तो आपने, अगर मेरे से ये बच्चा बोले सर आप कितने मार्क्स दोगे 100 में से, मैं इसको पेपर में 100 में से 70 दूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि एक तो इसने यहां पर यूनिट गलत पुट कर दिया था, दूसरा इसने कन्वर्जन फैक्टर गलत पिकअप करा था, तीसरा इसने डायरेक्ट ही इनको डिवाइड करने की कोशिश करी, मेरे को फॉर्मूला नहीं बताया। 3 मिस्टेक्स होने की वजह से मैं 100 में से 30 मार्क्स काट लूंगा जब पेपर चेक करूंगा। तो ऐसा मैंने क्यों करके बताया? कई बार बच्चे बड़े उदास हो जाते हैं, मेरा आंसर तो सही आया, फुल मार्क्स क्यों नहीं दिए सर ने। यही कमी होती है आपके सॉल्यूशन के स्टेप्स में, कमजोरी होती है बेटे। इसीलिए मैंने एक-एक स्टेप बच्चे से पूछ के करा। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। पर उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, हैव यू अंडरस्टूड इट? बेटे एक हाथ खड़ा करना ही है दोनों में से। वेरी गुड, शाबाश। नाउ इसको भी हम मेमोरी में डाल लेते। अब एक बच्चा आ जाए जिसका नाम है मंजोत, 7th D। मंजोत माइक पे आ जाओ बेटे। अच्छा 7th D के रहने दो, आपका माइक खराब है, 7th D रहने दो बेटे। एक बच्चा है 7th B में, करमवीर। 7th B में करमवीर, बेटे माइक पे आ जाओ। और आपने मेरे को 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के दिखानी है, 6th, और उसका मीनिंग बताना। क्वेश्चन नंबर 6। While going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the meters on the dashboard of the bus every 30 minutes till the end of the journey. The speedometer records the speed directly. The odometer reads to 2,552 kilometers initially. After 30 minutes, the odometer reads 2,574 kilometers on reaching the destination. After 1 hour, the odometer reads 2,605 kilometers. तो इस क्वेश्चन में करना क्या है बता सकते हो? इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन ऐड करना भूल गए हैं वो। लिखो सारे बच्चे, लिखो सारे बच्चे, ड्रा दी ग्राफ, ड्रा दी ग्राफ। ग्राफ इसका बनाया जा सकता है। ओके, तो ग्राफ को कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे बेटे,
ग्राफ में एक तरफ आपने क्या लिखना है, किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस, और एक तरफ आपने क्या लिखना है बेटे, टाइम यानी कि मिनट में टाइम दे रखा है। फिर आपने यहां पर मार्क्स लगाने हैं टाइम के, और फिर यहां पर डिस्टेंस, और जैसे आप मैथ में एक्स और वाई में ग्राफ ड्रा करते हो वैसे ही आपको ड्रा करने हैं। मान लो ये देखो, उसने क्या बोला है, पहले 30 मिनट में ये रीड करता है, स्पीडोमीटर डायरेक्टली रीड्स कितना, 2552 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं चलो 2555 किलोमीटर, 52 किलोमीटर, तो ये पॉइंट आ गया, और टाइम कितना हो गया, 30 मिनट। तो एवरी 15 मिनट का लगा लेते हैं, 15, 30, 45, 60, 75 ऐसे लगा सकते हैं। तो 30 मिनट पे उसने नोट करा ये वाला, तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। फिर उसने आधे घंटे बाद फिर से नोट करा 2574, इसमें 30 मिनट में आधा घंटा ऐड कर देंगे तो 60 बन गया, और डिस्टेंस कितना है, 2574। तो ग्राफ पेपर में मान लो ये 2574 है, 2574, तो उस यहां से लाइन ड्रा करेंगे, एक पॉइंट ये आ गया, दो पॉइंट आ गए, तब इन दोनों पॉइंटों को स्केल के साथ आपने ऐसे जोड़ देना, तो ये आपका ग्राफ हो गया, दोनों तरफ एक्सटेंड कर देना, इस तरह से आप ग्राफ ड्रा करते। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन ऑन ग्राफ। शाबाश, ये जो बच्चा था जिसने अभी अभी पढ़ा था, करमन वीर, इस बच्चे का इंग्लिश का फ्लो बहुत अच्छा है, इसको स्पेशल शाबाश दी जाती है। बेटे, आपके इंग्लिश को रीड करने का मेथड मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इतनी छोटी उम्र में बहुत ही बढ़िया फ्लो में पढ़ा, वेरी नाइस। अब मेरे को एक बच्चा चाहिए 7th E में, ओजस्वी, 7th E में ओजस्वी, प्लीज कम ऑन द माइक। आप बेटे 5th क्वेश्चन को रीड करोगे और इसका मीनिंग समझाओगे। 5th क्वेश्चन, A train is running at a speed of 45 km per hour. How long will it take to reach Lucknow from Delhi when the distance between two stations is 315 km? बेटे आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओगे इसका मीनिंग क्या है मेरे, व्हाट इज द मीनिंग। सर, एक ट्रेन 45 km पर आवर चल रही है और उसने लखनऊ फ्रॉम दिल्ली, वो कितना डिस्टेंस होएगा उसके बीच में? ना ना ना, गलत, डिस्टेंस तो दे ही रखा है, टाइम कितना लगेगा? तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है, 315, कहां से कहां, लखनऊ से दिल्ली। ओके बेटे, तो आपको ये बताना है ये हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना लगेगा उसको, यानी कि लखनऊ से दिल्ली पहुंचने के लिए उस ट्रेन को टाइम कितना लगेगा। अजस्वी बेटे, आप अपने टीचर को गाइड करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला स्टेप क्या लिखोगे? इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम. कोई बच्चा बोलता है सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या कोई बच्चा इस फार्मूले को इंप्रूव कर सकता है? इसमें मैं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहता हूं इस फार्मूले में, है कोई अजस्वी, आप खुद कर सकते हो बेटे। देखो अगर आप यहां पर ऐसा, डिस्टेंस हाँ कवर बिल्कुल, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ऐसे लिखना है बेटे आपने,
वरना मैं यहां पर 1 मार्क डिडक्ट कर लूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बता सकते हो क्या करूंगा? व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? बता ही नहीं रहा बच्चा। देखो आपको क्या निकालना क्या है, क्वेश्चन बताइए। जो चीज निकालनी होती है उसको इक्वालिटी के एक तरफ करना होता है अकेला। तो टाइम तो इधर मिक्स होकर बैठा हुआ है डिस्टेंस के साथ, इसको अकेला कैसे करें टाइम को? इक्वालिटी साइन के एक तरफ लेकर आना है उसको। टाइम इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई डिस्टेंस कवर। रॉन्ग रॉन्ग। अगर टाइम इधर जाएगा बेटे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में दूसरी तरफ, तो स्पीड को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई थोड़ी होएगा। तो फाइल होएगा टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या आना चाहिए? स्पीड। डिवाइड का निशान आएगा, मल्टीप्लाई कैसे बोल दिया आपने? रट्टा नहीं लगाना। ये देखो, अगर एक पैरामीटर इक्वालिटी की राइट साइड से लेफ्ट में जाता है और न्यूमरेटर में जाता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो लेफ्ट साइड से राइट में वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, क्रॉस पोजीशनिंग होती है। आप डाटा पुट कराओ, व्हाट शुड आई डू फर्दर? 15 किलोमीटर डिवाइड बाय 45% अच्छा मैंने ये पुट कर दिया, मैंने इसमें एक मिस्टेक करी है, बताओ क्या मिस्टेक करी? वेरी यूनिट्स नहीं लगाई। गुड, ये बनी बात। इस बच्चे ने बोला कि सर आपने यूनिट नहीं लगाई, दोनों यूनिट तो लिखो साथ में, लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे? कैन यू हेल्प मी? तो डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने पर कितना आएगा? 15 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है, बता सकते हो? अभी कर रहे हैं। चलो मैंने कर दिया, और उसके बाद ये इतना आ गया। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर? यस या नो? नो तो क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में? तो यूनिट सेकंड्स में चाहिए। टाइम टेकन ब्रैकेट में लिखो ऐसे यूनिट्स, और मेंशन भी कर देना है सेकंड। क्या करना चाहिए 7 से? किससे मल्टीप्लाई करूं सेकंड बनाने के लिए? बेटे आठ सौ। सेवन मल्टीप्लाई 3600। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तब इतना आंसर लिख के आओगे। ये बच्चा छोटा सा दिखने में जरूर छोटा सा है, लेकिन मेरी गारंटी है ये बच्चा अगली क्लासेस में बड़ा ब्राइट बच्चा बन के निकलेगा। शाबाश बेटे, बहुत ही बढ़िया और कॉन्फिडेंट आंसर आपने दिए। फुल मार्क्स, 100/100 मार्क्स दूंगा मैं इस छोटे से बच्चे को, प्यारे से बच्चे को। कोई भी मिस्टेक नहीं था, बस मामूली सा इसने कवर्ड नहीं बोला, वो भी जब मैंने इसको बोला इसको इंप्रूव करो, इसने खुद ही कर दी, मेरे से हेल्प नहीं ली, खुद। ये होती है परफॉर्मेंस। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट ही है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले 4 पे जाने से पहले मेरा वही क्वेश्चन, क्या ये आपको समझ आया या नहीं आया? हैव यू कॉम्प्रिहेंडेड दिस क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? एक गुड़िया ने 7वीं में कोई हाथ नहीं खड़ा करा। 7वीं, मिडिल क्लास, ब्लेजर वाला बच्चा, ब्राउन ब्लेजर वाली गुड़िया, सेकंड बेंच, मिडिल लाइन। बताओ बेटे अगर आपको समझ आया तो राइट हैंड, नहीं तो लेफ्ट हैंड। ओके, डाउन, शाबाश शाबाश शाबाश। खड़ा था हाथ शायद, वो ब्राउन कलर की वजह से मेरे को आपका हाथ दिखा नहीं बेटे। गुड, कैमरे में बहुत छोटे छोटे दिखते हैं बच्चे। तो फोर्थ क्वेश्चन पे हम जाने लगे हैं, इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल सेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये चाहूंगा इस फोर्थ क्वेश्चन को पढ़े आकर मेरे पास ये बच्चा प्रदीप, 7F में एक बच्चा है प्रदीप, प्लीज कम ऑन द माइक। है कोई?
यहाँ पर सेवंथ एफ सेक्शन भी लिखा हुआ। हाँ बेटे, आपने फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना है और मेरे को इसका मीनिंग बताना है। बेटे बहुत देर लगा दी आपने तो। चलो कोई और बच्चे को बता बुलाते हैं, ये तो लेजी है बच्चों, थोड़ा सा लेजी है। या शुड आई वेट? कोई माइक में प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहे? चलो कोई बात नहीं, हम एक और बच्चे को बुलाते हैं। सेवंथ बी में एक बच्चा है अमन, अमन टू। सेवंथ बी में अमन टू, प्लीज कम ऑन द माइक। है कोई बच्चा सेवंथ बी में अमन टू? हाँ बेटे, आपको ये क्वेश्चंस रीड करना है और मेरे को इसका मीनिंग समझाना है। ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 hours, वेयर एज ट्रेन बी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 hours, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर? देखो ध्यान से, दोनों ही ट्रेनें जो चल रही हैं उसमें उसने टाइम भी दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखा है। बेटे बताओ इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? सर, एक ट्रेन ए है जो 150 किलोमीटर 3 hours में कवर कर रही है, और एक ट्रेन बी है जो 180 किलोमीटर कवर कर रही है 4 hours में। तो बताना क्या है? कौन सी ट्रेन फास्ट? यस, कौन सी ट्रेन फास्ट है? तो फास्ट या स्लो पता करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। शाबाश, जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो फास्टर होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला बताओ टीचर को। स्पीड स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। सर, बच्चा कह रहा है सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, बस कुछ इंप्रूव तो नहीं करना, कुछ इंप्रूव तो नहीं करना। टाइम टेकन। टाइम टेकन, तो स्पीड का सिंबल क्या होता है? वी। तो सबसे पहले आप वी ऑफ ए ट्रेन निकालोगे। कैसे निकालोगे वी ऑफ ए ट्रेन बताओ? मल्टीप्लाई डिवाइड किसको किससे डिवाइड करना बेटे? 150 को 3 से। 150 को 3 से डिवाइड करा और क्या आंसर आया? 50 50। बस 50 क्या है, लीटर आएगा कि किलोग्राम? 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर। रॉन्ग, क्या मिस्टेक करी है इस बच्चे ने? ये कह रहा है किलोमीटर किलोमीटर, मीटर। गलत। स्पीड का यूनिट कभी भी किलोमीटर नहीं होता। किलोमीटर पर आर। वेरी गुड, किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वी कैसे कैलकुलेट करेंगे? डाटा बताओ, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या आंसर आएगा बच्चे? 45 45। किलोमीटर पर बिल्कुल सही। तो आप बता सकते हो कौन सी ट्रेन फास्टर है? तो ट्रेन ए। ट्रेन ए फास्टर है क्योंकि उसका स्पीड 50 निकला, ज्यादा निकला। एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करोगे? इस क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने जस्ट हमसे ये पूछा कौन सा ट्रेन फास्टर है या स्लोअर। अगर आप इसको कन्वर्ट भी कर दोगे मीटर पर सेकंड में तो भी कोई मिस्टेक नहीं है। कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में? 5/18 से मल्टीप्लाई करके।
अगर करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जरूरत नहीं। तो ट्रेन ए हमारा फास्टर हुआ। जिन बच्चों को फोर्थ क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया, दे विल रिप्लाई द टीचर बाय रेजिंग राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल्स लगाए। अब लास्ट में एक टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट में आपने अपने टाइम इज ओवर। एक क्वेश्चन पूछना, बस एक क्वेश्चन। जिन बच्चों को आज का सारा लेक्चर समझ आया, वो दोनों हाथ हिला के इंडिकेशन देंगे, ऐसे। आज का सारा लेक्चर 7th B सेक्शन के स्टूडेंट से पूछ रहा हूं मैं। ओके बेटे, तो हमारा लेक्चर आज फ्रूटफुल रहा। अगली बार नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मिलते हैं। बाय बाय। ऑल ऑफ यू आर फ्री।